यकीन नहीं होता इस जोकर ने ऐसा किया होगा। इन्होंने ही मुझे बताया कि मेरी छोटी सी टपली से इनका भाई कोमा में चला गया। कोमा में भी इसे सपने आते होंगे तो मेरे। सिर्फ 1.5 फुट का तो है ये, तुम्हारे जैसे लंबे चौड़े पहलवान भाई को कैसे मारेगा ये? ए, 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 ए। अगर तेरा बेटा पहलवान है तो मैं भी फौलाद की औलाद हूँ, काट के रख दूंगा मेरे घने बालों की कसम। क्या बकरा ये, मैं फिर पूछता हूँ क्या ये वही आदमी है या फिर इस घर में घुसने का कोई घटिया सीक्रेट प्लान है तुम्हारा? इस 1.5 फुट के जोकर को देख कर मुझे तुम तीनों पर शक हो रहा है। नहीं पिताजी, ये वही है, आपके सर की कसम। ए, मेरे सिर की कसम खा रहे हो तुम? अगर मुझे पता चला कि ये वो नहीं है तो तुम तीनों भाइयों को जान से मारने से पहले मैं जरा भी नहीं सोचूंगा। तुम्हारी सर की कसम। कार्तिक, ये यहाँ कैसे है? अब तो हम इसका नाम भी नहीं ले सकते। क्या बात है अंकल? अरे कुछ खास बात है, मेरे बेटे को कोमा में पहुँचाने वाला मिल गया। ये लोग? अरे ये सब तो मेरे बेटे हैं, तुम पहले से इन्हें जानते हो। ये आपके बेटे हैं? हाँ। यही तो मुझे मारना चाहते थे अंकल। नहीं पिताजी। कार्तिक को क्यों मारना चाहते हो तुम? सच बताओ, बात ये है कि पिताजी मैं अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा। मैं ही बता देता हूँ अंकल। सुनिए, हाँ। इंदु के पापा ने मुझे मारने की सुपारी दी है इन्हें, इसलिए इतने दिनों से ये मेरे पीछे पड़े हैं। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। तुम जानते भी हो कार्तिक कौन है? ये वही नौजवान है जिसने मेरी जान बचाई थी। प्रणाम करो इसे। अरे इट्स ओके। ओ ये नौटंकी बंद करो और ये बताओ मुझे क्या रोल करना है, लेट होने पर मैं इरिटेट हो जाता हूँ। इस कार्टून कैरेक्टर का क्लाइमैक्स तो सोच रखा मैंने, इसका तो सैलेड बनाकर पार्सल कर दो। मुझे ककड़ी समझाए क्या? लगता है सैलेड बन के ही रहेगा। इस पर मैं क्या बोल रहे हो? प्लीज क्यों रोका इन्हें? अंकल इसे मारने का हक आपके बेटे को ही मिलना चाहिए। तुम क्या बात कर रहे हो, बुल्ली कैसे मार सकता है, वो तो कोमा में है ना। तो फिर उसके ठीक होने तक हम इसे यहीं अपने कैद में रखेंगे? ये नहीं हो सकता, इस मेंटल को देखकर मैं सेंटिमेंटल हो जाता हूँ। खुद सेंटिमेंटल है, मुझे मेंटल बोलता है। इसे जान से मारने में क्या मजा है, कोमा से उठकर वो इसे हाथों से मारेगा तब बदला पूरा होगा। क्या बात है कार्तिक, ये हुई ना मर्दों वाली बात। सोले ने नहीं चल चलती। चुप रहो, इस बलि के बकरे को खिला पिला कर इतना मोटा कर दो कि इसे हलाल करने के बाद पूरा घर इसके टुकड़ों से भर जाए। ले जाओ इस मेमने को। टच मी नॉट, इज्जत से आ रहा हूँ ना। बाप रे, इतने सारे सांड, बीच में फंस गया बेचारा भांड। जिसकी तलाश थी वो तो मिल गया, अब इन्हें अंदर आने की इजाजत दे दीजिए। अंदर मरो आप। कार्तिक, इस परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम इनकी मदद कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे हो कार्तिक। किसी की मदद करने के लिए रिश्तों की नहीं, भावनाओं की जरूरत होती है। थैंक यू दोस्त, ऐन वक्त पर उन कसाईयों को रोका ना होता तो अब तक मेरा कीमा बन चुका होता। वैसे तुम हो कौन? मैं राजू, खाता हूँ काजू, कोर्ट का फोर्ट हूँ मैं। लॉयर हो? छोड़ो, लायर, झूठ बोलना मेरी हॉबी है, निर्दोष लोगों को फंसाकर मिलती हरी हरी बॉबी है। उस बुल्ली को कोमा में तुम्ही ने भेजा? मुझसे कॉकरोच तक नहीं मारा जाता, उस बैल को क्या मारूंगा। तो तुमने ऐसा कहा क्यों, पागल हो क्या? पागल मैं नहीं, वो पेड्डी रेड्डी है, ऐसा उसके बेटों ने मुझे बताया। उन्होंने ये झूठ बोलने के लिए मेरे साथ डील की है, पर डे 1 लाख रुपीस। टोटल 5 लाख मांगे, सोचा 3 लाख तो दे ही देंगे, पर ये गधे 5 दिन के 5 लाख मान ही गए। क्या करें, बेचारे मेंटल हैं इसलिए 5 में मांगे। क्या मतलब? हाँ, वो पागलों के पागल है। रियली? वो तीनों भी? पेशेंट की बीमारी डॉक्टर ही समझता है। पेशेंट? आई एम कार्तिक, साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट? दिखने में तो आर्टिस्ट लगते हो, थोड़े साइकिक भी। लगता है सचमुच किसी मेंटल हॉस्पिटल में आ गया हूं। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो पहले लंबी कहानी सुनो। कोई चॉइस है? 15 साल पहले की बात है, एक सीजन आया था। मैंगो सीजन था? नहीं, शादियों का। पेड्डी रेड्डी अपनी नाबालिग बेटी की शादी करवाने घर से निकले, वो बस गाड़ी में बैठकर रोड पर पहुंचे ही थे कि अचानक एक छोटा सा बच्चा साइकिल चलाते हुए उनकी गाड़ी की तरफ सामने से तेजी से आया। ड्राइवर ने सोचा कि शायद साइकिल से गाड़ी को खरोच लग सकती है, इसलिए उसने गाड़ी एक तरफ घुमा ली। उसी वक्त सामने से आती हुई गाड़ी से उनकी गाड़ी टकरा गई और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। साइकिल से गाड़ी डैमेज न हो जाए इसलिए गाड़ी घुमाई? कौन गधा था वो? खुद पेड्डी रेड्डी। काला गेंडा? एक्सीडेंट में सिर पर चोट लगने की वजह से वो पागल हो गए और बुल्ली रेड्डी उस एक्सीडेंट की वजह से कोमा में गया और शादी कैंसिल हो गई। जिस तरह किसी वायरस से बीमारियां फैलने लगती हैं, वैसे पेड्डी रेड्डी का पागलपन घर वालों में फैल गया। ओहो, बात यही खत्म नहीं हुई, मैंने कहानी का असली ट्विस्ट तो बताया ही नहीं। वो क्या है? एक्चुअली वो साइकिल मैं चला रहा था। डॉक्टर? यस मिस्टर राजू, यस। मेरी वजह से आज पूरा खानदान इस बीमारी से जूझ रहा है। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की और साइकियाट्रिस्ट बना ताकि मैं इनके पागलपन का इलाज कर सकूं और इनके कुंवारी बेटी की किसी तरह शादी करवा सकूं।
इसीलिए मैं यहाँ आया। तो असली कल्प्रिट तुम हो, पर ये मेरी जान के पीछे पड़े हैं। भाड़ में गई एक्टिंग में जा रहा हूँ। वो मार देंगे तुम्हें। क्या? ये सन की सोचना है कि तुमने बुल्ली को पीटा और वो कोमा में चला गया इसलिए। मैं शक्ल से उल्लू दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं। मैं उन सबको बता दूंगा कि असली जिम्मेदार तुम हो। शौक से बताओ। बता के शौक दूंगा तो दो ना। डरता हूँ क्या? जाओ जाओ, ये लायरा झूठ बोलेगा। गाइस, तुम्हारे भाई को कोमा में डालने वाला मैं नहीं, कोई और है। कौन है वो? कार्तिक। तुम्हें किसने बताया? क्या सोचा तुम लोगों ने, तुम जैसे मेंटल लोगों पर मैं भरोसा करूंगा? कार्तिक ने खुद बताया है। कोई जवाब? पहले खुद उसे मारता है फिर दूसरे का नाम लगाता है। मैंने कब उसे मारा? अपनी 5 लाख की डील हुई थी। कौन सी डील? दिमाग फिर गया क्या तेरा? ये बात किसी और को बताई ना तो तेरा। तू सबसे बड़ा मेंटल है। भाई को मेंटल बोला? ये मेंटल का दादा है। भाइयों को मेंटल कहता है? समझ गया, इन करारे करारे झापड़ों से एक बात समझ गया, तुम तीनों का आटा ढीला है। डॉक्टर, तुमने इस फैमिली के बारे में एकदम सही कहा। यहाँ तो पागलपंती सर्दी जुकाम की तरह कॉमन है। अब समझ में आई ना बात? नॉर्मल आदमी को मेंटल कहोगे तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मेंटल को मेंटल कहोगे तो जंगली जानवर की तरह अटैक करेगा। एकदम डॉक्टर, मुझे कुत्ते की तरह धोया तीनों भाइयों ने, अब इस मुसीबत से कैसे? देखो, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। ऑप्शन ए, पेडी रेड्डी की बेटी की शादी करवा दो, और ऑप्शन बी, इनके पागलपन को इतना बढ़ा दो कि ब्लॉक हुई नसें प्रेशर से ब्लास्ट होकर खुले, वो सब बिल्कुल ठीक हो जाए और तुम यहाँ से जिंदा निकलो। तुम ऑप्शन ए पर काम करो और उनकी पागलपंथी को ऊंचाइयों तक मैं पहुंचा। वेरी गुड सर। थैंक यू डॉक्टर। मुझ पर हमला गंगाराम रेड्डी ने किया था, इस बार वो किसी भी कीमत पर नहीं बच पाएगा। चूहे जैसे उस डरपोक रेड्डी के बारे में तुम लोग क्या डींगे हाँक रहे थे हैं? मैंने उसके बेटे को कुत्ते की तरह धोया और कोमा में पहुंचा दिया, लेकिन वो उल्लू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो मोटा गेंडा औरतों की तरह हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठता है, गले में एक बड़ा सा घंटा लगा के घूमता है जैसे किसी सांड के गले में होता है। अरे उसे देख के तो बंदर भी हंसते हैं। क्या रे, ये कौओं जैसी आंखों से क्यों घूर रहे हो? दूके शाबाश, रोको मत, उसे का पारा चढ़ने दो। आई वॉन्ट मोर पागलपन, कम ऑन। जितना पागलपन दिखाओगे उतना जल्दी ठीक हो जाओगे। तलवार, लाठी, हथौड़ा, जो मर्जी हो उठा लो, लेटेस्ट डिजाइनर गन्स निकाल लो, कम ऑन, घेर लो मुझे, हमला करो मुझ पर, मारो मुझे। मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने दिल पे ले लिया। हमारे लिए शायद ये मजाक हो, लेकिन हमारे लिए सीरियस मैटर है। इधर पेडी रेड्डी कौन है? नहीं मालूम है। क्या वो लाल काला गेंडा है? पकड़ो उस साले को। क्या वो तुम्हारा साला तुम है? कौन हो? श्रीमंत नारायण, सीबीआई ऑफिसर। सीबीआई? कोर्ट को तो खैर मैं संभाल ही लूंगा, पर मामला सीबीआई में पहुंच गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कोर्ट तुम लोगों को 1000 एकड़ जमीन हड़पने का दोषी मानती है। अब इस केस का इंचार्ज मैं हूँ, इस सिलसिले में आपको मैं अरेस्ट करता हूँ। चलो सबको दिल्ली लेकर चलो। लेकिन अरेस्ट? लेकिन सीधा दिल्ली क्यों? क्योंकि तिहार जेल वहीं पर है। इन सबको लेकर चलो। मामा जी, कार्तिक भांजे, तुम यहाँ कैसे? मामा जी ये क्या, किसी भी अमीर आदमी को नहीं छोड़ेंगे आप? अमीर आदमी को जेल में और उससे ज्यादा अमीर को सेंट्रल जेल में, ये एक ही मिशन है आपका? केस हाथ में लिया तो गुनेगार को सजा होकर रहेगी। पहले पेडी रेड्डी और फिर गंगाराम रेड्डी को जेल भिजवा करूंगा। तुम तो मुझे जानते ही हो। अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन आप पेडी रेड्डी को नहीं जानते। दिखने में पहाड़ जैसे लेकिन दिल बहुत नरम। आप जरा इनकी मासूम सी शक्ल को देखिए। चेहरे से मुजरिम नहीं लगते लेकिन इन्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो लेकर चलो सबको। मामा जी प्लीज, मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए। ये करतूत गंगाराम की है, पेडी रेड्डी की नहीं, ये मैं साबित कर दूंगा। तुम्हारी बात छोड़ो, मैं तो ऊपर वाले की भी नहीं सुनता। मेरी बात तो सुनिए मामा जी, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं आपका फेवरेट भांजा हूँ। वो तो है। ओके ओके, तुम जीत गए, 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर चालाकी की तो सबकी अंडा भुर्जी बना दूंगा। ऑफिसर्स फॉलो मी। थैंक यू बेटा, अभी थैंक्स वैंक्स के लिए वक्त नहीं है, एक समझदार वकील चाहिए। आपको उस दिन मैंने बहुत अच्छी तरह से ठोक बजाकर समझाया था, सीबीआई बीच में आई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। आप ही कर सकते हैं सर। कैसे? मेरी बात तो सुनिए, अपनी बेटी की शादी आप गंगाराम के बेटे से करवाइए, हम उन्हें दहेज में 1000 एकड़ जमीन देने का वादा करेंगे, फिर सारी जमीनों को गंगाराम के नाम ट्रांसफर कीजिए। अब सारे रजिस्ट्रेशन उसके नाम होंगे तो सीबीआई उसके घर जाकर उसे अरेस्ट करेगी। क्यों सही है ना? तुम कौन हो भाई, क्रिमिनल लॉयर हो क्या? ये मेरे बेटे जैसा है, पर मैं वो रिश्ता नहीं करूंगा। बात को समझिए सर, इसी बहाने आपकी बेटी की रुकी हुई शादी भी हो जाएगी और गंगाराम से बदला भी ले लेंगे। बात में दम तो है, पर गंगाराम को राजी कौन करेगा? वकील साहब कब काम आएंगे? क्या मैं? अच्छा कार्तिक, ये गंगाराम वकील की बात पर यकीन करेगा और रिश्ता लेकर आएगा? सिर्फ 3 पग जमीन के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया, और यहाँ पर तो 1000 एकड़ की बात है, गंगाराम क्या उसका बाप भी आएगा? कहा था वही हुआ, देखिए वो आ गया। सुनो पेड्डी, मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं रिश्ते की बात करने आया हूँ, क्या कहते हो तुम? वहीं खड़े रहकर बातें करते रहोगे क्या? अंदर तो आ जाओ।
क्या कर रहे हो पिताजी, वो हमारा दुश्मन है। लेकिन तुम भूल रहे हो ये मेरे बचपन का दोस्त भी है। मैं अपनी बेटी की शादी इसके बेटे से करवाऊंगा, इसलिए चुपचाप खड़े रहो वरना चले जाओ। कैसी हैं आप? कैसे हो तुम? मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अरे डॉक्टर, ये मेला क्यों लगा हुआ है? वो लोग आपस में रिश्ते की बात करने वाले हैं। मतलब शादी, वो भी पागलों से। आपको याद है उस दिन जो मैंने कहानी सुनाई थी? बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कहानी थी, ऐसी मेंटल कहानी कौन भूल सकता है। उस एक्सीडेंट में पेड्डी की कार जिस कार से टकरा गॉट इट वो इनकी कार थी, और उस एक्सीडेंट में इन सबके दिमाग में चोटें लगी और ये पागल हो गए। अब एक मेंटल फैमिली दूसरे मेंटल फैमिली से शादी की बात करने आई है। राजू जी, आपका दिमाग कितना शार्प है, कितने जीनियस है, आप कहानी समझ गए। और क्योंकि वो एक्सीडेंट तुम्हारी साइकिल से हुआ, इसलिए तुम इनकी शादी करवा रहे हो। कार्तिक? ये कार्तिक है, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा ही है। इसी ने मुझे समझाया कि रिश्ते पैसों से कहीं बढ़कर होते हैं। मुझे बदलने वाला इंसान यही है। जीते रहो, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। अगर दो मेंबर हो तो कोई प्रॉब्लम है? क्यों बिना इमोशन के इमोशनल हो रहे हो? राजू मुझे बोलने दो। डॉक्टर, मेरी हालत किसी सांप के मुंह में फंसे छछुंदर जैसी हो गई है। ना तो सांप उसे निगल रहा है और ना ही उगल रहा है। मेरी जिंदगी। राजू कंट्रोल कर। रुको यार, ये बंदर कहां से पकड़ कर ले आए? कौन है ये नमूना? बुली को कोमा में पहुंचाने वाला कोई और नहीं, ये बंदर ही तो है। अच्छा, मेरी बेटी को भगाने में मदद करने वाला यही है? अब ये कौन सी बेटी की बात कर रहा है? ओ, सही सोचा, तुम्हारी बेटी को भगाने वाला मैं ही था। और एक बेटी हो तो बताओ, उसे भी भगा ले जाऊंगा। कमान कमान जाओ गंगाराम, इसकी मौत तो बुली के हाथों ही लिखी हुई है। तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। ओ, चिल्लाने का वॉल्यूम भी बराबर है। लेकिन बार बार ये बुली बुली क्या लगा रखा है? और कोई टॉपिक नहीं है क्या? कोई इसे पागल खाने ले जाओ। पागल खाने तुझे जाना चाहिए। अंकल मैं इसे संभाल लूंगा, आप लोग अंदर जाइए। जाओ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। आओ जी, आओ मेरे साथ। कार्तिक, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। कार्तिक, जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ वो आ चुका है। सचमुच? वेरी गुड, कहाँ है वो? वैभव। कार्तिक, वैभव, वैभव कार्तिक। ग्लैड टू मीट यू। तुम बहुत लकी हो वैभव, इंदु तुमसे बहुत प्यार करती है।